नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर फर्जी वेब सीरीज से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रहे हैं। बता दें कि शाहिद कपूर सनी के किरदार में नजर आएंगे। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया, नाना ने उसे अपनाया। सनी के दिल में इस दुनिया के खिलाफ काफी नाराजगी है। सनी के नाना अमोल पालेकर और सनी का सबसे अच्छा दोस्त फिरोज भुवन अरोड़ा, इनको ही उसने अपनाया है। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ केके मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं। मेकर शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो ही जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखते हैं। उनकी कहानी इस तेज तर्रार थ्रिलर की स्पीड को धीमा कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मेकर्स बड़े पर्दे से छोटे पर स्विच करते हैं तो वो रन टाइम की आजादी में बह जाते हैं। ऐसे में एडिटिंग टेबल पर बैठकर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और चुस्त किया जा सकता था। हालांकि शो में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो दर्शक के तौर पर आपका रोमांच बनाए रखता है। शो के सिनेमेटोग्राफर पंकज कुमार ने वेब सीरीज होने के बावजूद इसे किसी फिल्म की तरह ट्रीट किया है, फिर चाहे आउटडोर लोकेशंस की बात ही क्यों ना हो। प्रोडक्शन पर खर्च दिखता है। शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर है और उन्होंने ये बात एक बार फिर साबित की है। कमीने फिल्म में उनका जो अच्छे दिल वाला बुरा आदमी अवतार था, सनी का किरदार भी कुछ वैसा ही है। हम ये कह सकते हैं कि शाहिद अपनी पहली ओटीटी सीरीज में टॉप फॉर्म में है। उन्होंने बड़ी सहजता से सनी के किरदार को पर्दे पर उतारा है। ठीक यही बात विजय सेतुपति के लिए भी है। साउथ सिनेमा के इस दमदार एक्टर ने अफसर माइकल के किरदार में अपने ट्रेडमार्क अंदाज में जान डाल दी है। सीरीज में इन्हीं दोनों लीड एक्टर्स के बीच टकराव होता है, ऐसे में दोनों की दमदार एक्टिंग दिल जीत लेती है। सीरीज में केके मेनन नकली नोट के गोरख धंधे के किंगपिन मंसूर की भूमिका निभा रहे हैं। केके मेनन की खासियत रही है कि वो अपने किरदार की बारीकियों पर बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। मंसूर तेज तर्रार है, उसकी ठाट और मेट्रोसेक्सुअल डांसिंग हो या कच्ची अंग्रेजी में गालियों का इस्तेमाल, केके मेनन ने हर अंदाज में रंग जमाया है। भुवन अरोरा सनी के बेस्ट फ्रेंड फिरोज के रूप में शानदार है। वो इस सीरीज में सरप्राइज पैकेज की तरह हैं। दिग्गज एक्टर अमोल पालेकर को पर्दे पर देखना सुकून देता है। एक ईमानदार पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका किरदार अभी भी देश के युवाओं में अपने अखबार क्रांति से उम्मीद जगा रहा है। सीरीज की कहानी में अधिकतर किरदार पुरुषों के हैं। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। देश में हर साल करोड़ों रुपए की कीमत के नकली नोट पकड़े जाते हैं। बड़ी संख्या में नकली नोट प्रचलन में है। ये न केवल लोगों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। बीते 3 साल में सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 138 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े हैं। नकली नोटों की सबसे ज्यादा खेप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भेजी जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में नोटबंदी की थी। उस वक्त 1000 और 500 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। नकली नोटों के इसी गोरख धंधे पर आधारित एक वेब सीरीज फर्जी ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। मनोज बाजपेयी की मशहूर वेब सीरीज दी फैमिली मैन से धमाल मचाने वाले राज और डीके की वेब सीरीज फर्जी के जरिए शाहिद कपूर और विजय सेतुपति ने ओटीटी डेब्यू किया।
इसमें इन दोनों के साथ के मेनन, भुवन अरोड़ा, जाकिर हुसैन, जसवंत सिंह, अमोल पालकर और राशि खन्ना भी अहम भूमिका में हैं। शाहिद इस सीरीज के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। पिछले साल उनकी फिल्म जर्सी के फ्लॉप होने के बाद उनके करियर पर संदेह पैदा होने लगा था, लेकिन इसी सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी एक्टिंग में अभी बहुत जान बाकी है। एक पुलिस अधिकारी के किरदार में विजय सेतुपति ने भी गजब का काम किया है। लोग दोनों एक्टरों की शानदार एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राज और डी के अपनी ही सीरीज द फैमिली मैन के स्तर को नहीं छू पाए हैं। कहानी एक मिडिल क्लास लड़के सनी की है जो खूब पैसा कमाना चाहता है और अमीरों के द्वारा बनाए गए सिस्टम को तोड़कर वो खुद तो अमीर बनना ही चाहता है, साथ में उन गरीबों को भी अमीर बनाना चाहता है जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वो उंगली को ही टेढ़ा नहीं करता बल्कि वो खुद भी टेढ़ा हो जाता है और नकली नोट छापने लगता है। लड़की की आर्ट में काफी पकड़ है और उसके द्वारा बनाई गई नकली चीज को कोई नहीं पकड़ सकता। इसके बाद कहानी में माइकल की एंट्री होती है जो CCFARTटीम को ज्वाइन करता है। ये टीम देश में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पकड़ने का काम करती है। सीरीज दो प्रकार की होती है, एक वो जो शुरुआती एपिसोड से ही दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और दूसरी वो जो 3 एपिसोड देखने के बाद भी दर्शकों को बांधने में नाकाम हो जाती है। राज और डीकी के निर्देशन में बनी फर्जी पहली वाली कैटेगरी में आती है। इसकी कहानी शुरुआती एपिसोड से ही अपना असर छोड़ना शुरू कर देती है। सीरीज के पहले एपिसोड से ही पता चल जाता है कि सीरीज में काफी मजा आने वाला है। सीरीज की पटकथा शानदार तरीके से लिखी गई है जो आपको आखिर तक बांध कर रखने का वायदा करती है। सीरीज के डायलॉग टॉप लेवल के हैं जिनका जीवन की सच्चाई से गहरा नाता होता है। जैसे अमीर लोग ने सिस्टम बनाया है जिसमें जिंदगी भर गरीब ब्याज चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा। शो का बैकग्राउंड म्यूजिक और एपिसोड की लंबाई नॉर्मल है जो आपको बोर नहीं होने देगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।